बसमिल रनिम दरूद हो मोहम्मद वाला मोहम्मद पर नजरिनदर टी वी कैनेडा पे इमिग्रेशन के हवाले से प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है और आज जो हम टॉपिक ले कर चल रहे हैं वह है केयर गिवर का केयर गिवर के मतलब बहुत कम लोगों को आगही है और आज दोबारा हमारे साथ टोरंटो की जानी पहचानी शख्सियत अलीम रज़ा जैदी साहब मौजूद हैं जो कि केयर गिवर के हवाले से तफसी से आगा करेंगे अलीम साहब आपको दोबारा खुश आमदेद कहते हैं प्रोग्राम में जी फरूभ भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने एक बार फिर मुझे अपना मेहमान ठहराया थैंक यू और ज़ाहिर है कि आपकी मसरूफियत जिस हिसाब से है आपका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि मसरूफियत से आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए तो आज का जो टॉपिक सेलेक्ट हुआ है वह है केयर गिवर का तो आपने पिछले किसी प्रोग्राम में इक्नॉमिक क्लास में केयर गिवर का तस्करा किया था जी जी आज इस पर बात करते हैं ज़रूर अच्छा अब एक तो मैं कहना चाहूँगा कि के केयर गिवर हम अपनी कंपनी का फ्लैगशिप प्रोग्राम करते हैं हम मैं अच्छा। अक्सर कहता हूँ कि दिस इज़ माय यॉर्कर अच्छा जो मैं इस पर क्या कर आउट कर सकता हूँ लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये एक विंडो है जो कनाडा ने क्रिएट की है और उसके रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ जिसके लिए आपको क्वालिफाई करना है क्वालिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप क्वालिफिकेशन कर लें जैसे इसकी जब हम तफसील में जाएंगे आपसे बहुत थोड़ी क्राइटेरिया डिमांड करता है अच्छा लेकिन आपकी जो रेलेवेंसी है विद विद प्रोग्राम वो बड़ी है। अच्छा। देखिए अब आप इसके अंदर जो है जैसे मिसाल के तौर पर आ, हमारे घरों में बच्चे होते हैं हमारे घरों में सीनियर्स होते हैं हमारे घरों के अंदर बुजुर्गों को या लोगों को यहाँ पर काम करते हुए डिसेबिलिटीज का शिकार हो जाते हैं जी। उन लोगों की टेक केयर करने के लिए आप जो है वो केयर गिवर आउटसाइड कैनेडा ला सकते हैं अच्छा और लकीली मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आप अपने लव्ड वंस को भी ला सकते हैं अच्छा। आप अपने बहन भाइयों को भी ला सकते हैं ओ, गुड। आप अपने बच्चों की टेक केयर के लिए आप अपने पेरेंट्स की टेक केयर के लिए आप अगर किसी डिसबिलिटी का शिकार हो गए खुदा खास्ता तो आप अपने लव्ड वंस को डायरेक्ट पी के ऊपर इसको ला सकते हैं अच्छा लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है आपको अपनी जो क्राइटेरिया वो पूरा करना है अच्छा। और उनको अपना क्राइटेरिया पूरा करना है। अच्छा, वो अच्छा क्या क्राइटेरिया? अब अच्छा मैं पहले बताना चाहूंगा इसकी थोड़ी सी फिलासफी जैसे कनाडा के अंदर आपने देखा थर्टी फाइव परसेंट बच्चे हैं और थर्टी फाइव परसेंट सीनियर तो गवर्नमेंट ने आपको ये एक प्रविलेज दिया है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ऑल फैमिली वर्कर मॉडल है वैसे आप मियाँ बीवी भी भी, काम करते काम हैं वगैरह कर वगैरह वो इकोनमी का मॉडल इस तरह जी उस सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट फिर आपको प्रिवलेज देती है कि इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग ह्यूज रोल इन द इकॉनमी तो चले आपके बच्चे किसी लिहाज से सफर ना करें या आपके बुजुर्ग किसी लिहाज से सफर ना करें या आप खुद अगर किसी डिसेबिलिटी का शिकार हो गए है तो आपके पास एक आदमी जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आपकी टेक केयर करने के लिए मौजूद हो तो ये उस लिहाज से ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जी। इस इस प्रोग्राम को बेसिकली गवर्नमेंट ने मुख्त वक्तों के मुख्तु वक्तों में मुख्तु नामों से यह जारी रहा आपने अच्छा। लिव इन केयर गिवर पहले सुना होगा फिर जो है वो होम चाइल्ड केयर पायलट प्रोग्राम आ गया बेसिकली ये दो के अंदर शुरू हुआ दो के अंदर जून में खत्म हो गया लेकिन साथ ही जो हमारे करंट मिनिस्टर मार्क मिलर हैं उन्होंने अनहैंस्ड केयर गिवर प्रोग्राम अनाउंस कर दिया अच्छा तो ये अनाउंस हो चुका हुआ है चूंकि ये कोटा सिस्टम है आगे हम मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से होता जी है जी। कोटा सिस्टम की वजह से जाहिर है उस एक साल के अंदर इसको होना होता है अच्छा इसकी ओप, एप्लीकेशन ओपन होती है और उन्होंने एक खास टाइम स्पैन दिया होता है उस टाइम के अंदर आपने एप्लीकेशन डालनी होती है तो अगेन फायदा उन्हीं को होता है जो जो तैयारी इसकी करके बैठे होते हैं अच्छा। जो प्रोग्राम अनाउंस होता है और उस वक्त तैयारी करने लगते हैं उनसे वो तैयारी हो ही नहीं पाती ठीक है लेकिन लकीली ये प्रोग्राम जो है वो मुश्किल बुनियादों पर मुख्त नामों से आता रहा है मुख्तु इसकी रिक्वायरमेंट्स आती रही हैं। जो अगले सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करते हैं तो ये बेसिकली आपके बच्चों को डील करने की भी एक क्लास है जिसको होम सपोर्ट होम चाइल्ड केयर वर्कर कहते हैं अच्छा। और जो बुजुर्गों को या डिसेबल पर्सन को डील करती है उसको होम सपोर्ट वर्कर कहते अच्छा। हैं अच्छा तो ये दो नॉक कोड्स है आप हमारे यहाँ कैनेडा के अंदर आप आपने अपने आप को किसी स्किल कैटेगरी के अंदर फॉल करना होता है अच्छा तो ये इसके अंदर दो स्किल कैटेगरीज फॉल करती हैं एक कॉम चाइल्ड केयर वर्कर कहते हैं और एक कॉम होम सपोर्ट वर्कर कहते हैं जी यहाँ पे एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने चाइल्ड केयर प्रोग्राम का और जो सीनियर या कोई डिसेबल हो गया है, तो क्या यहाँ की गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक कोर्स मानती है कि आपने ये किया हुआ ताकि आपको पता हो कि आपने किस तरह टेक केयर करनी है बुजुर्ग की या जो बीमार है या बच्चों की इस तरह का कोई है सिलसिला या वेरी गुड देखिए जैसे हमारे यहाँ एक टर्म यूज होती है नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन जी यहाँ पर जो भी तरह का कोई प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है जी. इवन मौलवी कारी साहब ये चीजें जो है ना इसी तरह केयर गिवर भी यहाँ पर एक बाबा प्रोफेशन अच्छा तो उन्होंने इसको उसके अंदर कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर आप चाइल्ड केयर वर्कर के तौर पर है तो उसके हमारे यहाँ इस कैटेगराइजेशन के साथ नौ कोड्स भी होते हैं तो इसका नौ कोड जो है वो जीरो अच्छा। और जो होम सपोर्ट वर्कर है उसका फोर फोर वन जीरो अब इसके साथ ही उसकी उन्होंने तखस लिखी हुई है कि इसकी क्या तफसील है कि इसके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए अच्छा वो एबिलिटी वहां पर आपने पूरी करनी है और वैसे आपस की बात है एक चाइल्ड केयर का एक्सपीरियंस तो मेरे और आपके पास भी है अगर हम अपने बच्चे पाले हुए हैं में, तो उसके लिए और हम अपने पेरेंट्स को टेक केयर करते हैं तो होम सपोर्ट वर्कर का भी हमारे पास है और बेगम की जो खिदमत करते हैं आप आप उनके साथ हेल्प आउट करते हैं उनको कुकिंग के अंदर या वॉशिंग के अंदर या ग्रॉसरी की प्लेसमेंट के अंदर तो ये तमाम काम या क्लीनिंग के अंदर तो ये तमाम काम भी लॉन्ड्री वगैरह हाउस ये तमाम होम सपोर्ट वर्कर के अंदर आते हैं तो आप और मैं भी होम सपोर्ट और होम चाइल्ड केयर के अंदर फॉल करते हैं करते हैं इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह के प्रोफेशन है अच्छा इसमें मैं आपसे एक चीज़ और ये दोबारा पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि इसमें बहन भाई या कोई भी रिश्तेदार या जरूरी है कि ब्लड रिलेशन हो या कोई दूर का रिश्तेदार हो, हो या कोई दोस्त सहबाब में हो तो ये कोई भी एलिजिबल हो सकता है देखिए मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि आपकी मीडिया कंपनी जी आपकी कंपनी के अंदर आपको एक कैमरा मैन चाहिए चाहिए आपका भाई अगर कैमरा मैन है तो वो क्वालिफाई करता है अच्छा तो ये इसका आंसर है कि अगर आपका बहन और भाई वो प्रोफेशन से वाबस्ता है तो वो इसके लिए क्वालिफाई करते हैं बट अच्छा। एक बात बड़ी कुछ लोग कहते हैं वो छोटे बच्चों को हमारी so, right. right. so, जितना, जितना आसानी इसको बताने की कोशिश करूंगा कि ये बहुत आसान है इसको सॉरी इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है अच्छा। इसको बहुत ज्यादा आपने आपने देखिए फिर एक और बात भी है कि इसके अंदर हमारे यहाँ दो तरह की असेसमेंट कंसिडर होती है आपके भी चार सौ से और आपको इनविटेशन आ गया एप्लीकेशन आई टी आ गया और मेरे भी चार सौ इक्यासी तो मुझे भी आ जाएगा मतलब हंड्रेड परसेंट श्योर है कि मुझे भी आएगा मतलब आपने मुझे बताया मैंने अपनी ईमेल जाके देखी तो मुझे भी आया हुआ हुआ मतलब यह ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है लेकिन सब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर जैसे वीजा जैसे विजिटर वीजा एप्लीकेशन है जब हम उसके स्टेज पर जाएंगे तो उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे विजिटर वीजा के अंदर आपकी सारी चीजें लगाई आपका वीजा लग गया मैंने भी वही सारी चीजें लगाई मेरा वीजा नहीं लगा अच्छा बिकॉज जो मुझे वीजा ऑफिसर डील कर रहा था उसने उसके एक पावर होती है उसकी पर्सनल जजमेंट होती है अच्छा। आपके केस में वो पर्सनल जजमेंट और थी मेरे केस में और हो गए तो ये इसलिए थोड़ा सा इसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल काम है कि इस ये बेसिकली सब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर होता है अच्छा तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जो लोग ये एल एम आई है एल एम ये इसके लिए नहीं चाहिए इसके अंदर आपकी हायर एज ब्रैकेट अप टू सम एक्सटेंट अलाउड है इसके अंदर लो आयल्स जो है वो सी एल बी फाइव सिर्फ चाहिए बल्कि अब जो है उसके सी एल बी फोर कर दिया अच्छा। कि उसके अंदर जस्ट एबिलिटी मैं छोटी सी एक बात कहता होता हूँ कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगर उसको दस डॉलर दें और डॉलरामा पे जाके कोई चीज लेके वापस आ जाए उसे ये पता मुझे ये चीज चाहिए ये मुझे चेंज है ये चीज कहाँ पाई जा रही है ये इतनी सी एबिलिटी उसके लिए काफी है। सही। और हमारे यहाँ मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर देखा है कि ग्रेड टेन बच्चे भी जो हैं वो पाकिस्तान में आप यकीन करें सो टैलेंटेड कंट्री के वो सी एल फाइव और सिक्स ले जाते हैं अच्छा तो इसके लिए तो सिर्फ आज की तारीख में फोर चाहिए बेड़ी बेड़ी। तो ये अंडरस्टैंडिंग uh, के एतबार से बहुत आसान है प्रोवाइडेड कि इसके अंदर जिसको आप लाना चाह रहे हैं जैसे आपने बात की थी अगर वो आपका बहन और भाई भी है लेकिन वो बहन और भाई के तौर पर नहीं आ सकता अच्छा। वो केयर गिवर के तौर पर आ सकता अच्छा, वो उस कैटेगरी में आएगा एग्जैक्टली exactly. मतलब आपको एक एक कंप्यूटर टेक्नीशियन चाहिए तो आपका भाई कंप्यूटर टेक्नीशियन है तो आप उसको जॉब दे देंगे लेकिन अगर वो केमिस्ट है तो आप नहीं देंगे तो इसके अंदर भी अगर आपका बहन या भाई वो वो वाली जो क्वालिफिकेशन है इस जॉब को करने के लिए वो उसके अंदर पाई जाती है और जी। वो केयर गिवर है राइट तो इसका मतलब तो तो है कि एप्लीकेशन में आपको ये मेंशन नहीं करना है कि ये मेरा भाई है या बहन है आपको सिर्फ उस एज ए केयर गिवर उसको नहीं लेकिन देखिए जब आप इसको अप्लाई uh, करते हैं ना तो ये एप्लीकेशन के एतबार से एट लीस्ट अगर से फोर फाइव फैमिली मेंबर्स हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इसके अंदर एज भी आपको रिलैक्सेशन थोड़ी सी मिल जाती है ट्वेंटी नाइन एज आइडियल एज नहीं है इसके अंदर तो फोर्टी फाइव तक भी एज आइडियल समझी जाती अच्छा, है good. जब आप फोर्टी फाइव के होते हैं तो आप फैमिली कॉम्पोजिशन आपकी चेंज हो चुकी है आप सिंगल नहीं होते नहीं। आप कम से कम चार से पांच बंदे तो होते ही हैं तो इसके अंदर बेसिकली चार से पांच बंदों की एक जो मेन बंदा है उसकी जॉब ऑफर जो एल एम तो नहीं आपको लेना पड़ता लेकिन एल एम जैसा प्रोसेस एक करना पड़ता है वो केस है फिर आपने पूरी फैमिली का परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन डालनी है इंडिविजुअली सारे एडल्ट की और जो बच्चे हैं वो भी उसका हिस्सा हैं उसके बाद आपने बड़ों का वर्क परमिट डालना है और जो बच्चे हैं उनका स्टडी परमिट तो इट्स ह्यूज एप्लीकेशन तो उस एतबार से ये आसान एप्लीकेशन नहीं है तो जो आपने बात किया आप कर तो सकते हैं सारा कुछ कि आपने उन्हें बताना जरूरी है या नहीं बताना तो जब आप पी की एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि इससे अगर मेरा बहन और भाई है तो लिखा होगा कि मैं वो मुझे अपने भाई के तौर पर लिखेंगे और तो मेरा एड्रेस आगे लिखा होगा तो आपको डिस्क्लोज़र वैसे भी मैं समझता हूं जब भी आप इमिग्रेशन के अंदर किसी भी तरीके से समझें कि ये चीज मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है तो आपको उसको बताने का तरीका आना चाहिए अच्छा आपको जरूर बताना चाहिए जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर लोग यहाँ पर हाइड करते हैं जैसे उन्होंने अमेरिका का वीजा अप्लाई किया रिजेक्ट हो गया या यूके का वीजा किया और फिर उन्होंने अमरीका का किया तो उन्होंने कहा मेरे कौन से पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी हुई है तो मैं इसको बताता ही नहीं लेकिन ये इन इन पांच सात जो डेवलप्ड कंट्रीज इनका इमिग्रेशन जो रिकॉर्ड है है दूसरे को शेयर होता है। और अगर वो ये फाइंड कर लें कि आपकी रिजेक्शन थी और आपने नहीं बताई हुई तो आपके ऊपर पांच साल का बैन लग जाता है अच्छा। तो इन जनरल हम ये समझते हैं कि जो भी जो आपने बताया कि आप बहन और भाई बता, आपको जरूर बताना चाहिए कि ये मेरी बहन है जी। क्योंकि उसका आपको एडवांटेज है आप देखते हैं कि उसका एडवांटेज क्या हो देखिए बहन है तो आपने बच्चे अपने उसके हवाले कर दी मैंने अपने बच्चे उसके हवाले कर दिए तो वो बहन करोज माई फैमिली वैल्यू कि शी ऑलरेडी नोज माय मेरे किड्स के साथ उसकी एक रेपो बनी हुई है ऑलरेडी तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे रादर टू रिलाई ऑन अ टोटली न्यू पर्सन न्यू पर्सन अच्छा इसमें बताइएगा कि एक कैनेडियन सिटीजन Uh, कितने लोगों को इस कैटेगरी में बुला सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल केयर गिवर के या जैसे कोई पेरेंट्स हैं वो बीमार हैं या बच्चों की टेकर तो क्या अलग अलग दोनों उसमें बुला सकता है या सिर्फ एक uh, उसको अलाउ है कि आप इस कैटेगरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन कभी मुझसे ये सवाल किसी ने नहीं पूछा uh, लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ आप इसके अंदर अलाउड हैं टू गेट हेल्प इन दी इन दी हाउस कीपिंग Right. आप जो घर के मुख्तलिफ काम होते हैं आप आ, कुकिंग में उसकी हेल्प ले सकते हैं वगैरह वगैरह तो पेरेंट्स के केस में भी फर्क ये होता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है उसके पास ज्यादा स्किल सेट होना चाहिए आप उसको इन आ, सर्टन केसेस, आप एक जर्नल जिस बंदे ने पढ़ा हुआ है उसको आप उधर यूज नहीं कर सकते अच्छा मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है तो शायद जो है ना वो कोई ऐसा चाइल्ड वर्कर हो जो जिसको वो ना आता हो या जिसको कोई जैसे जैसे कम्पेशनेट होना होता है एम्पेथाइज करना होता है वो बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ ना हो सकता हो तो इस तरह की चीज़ों को आपको जहन में रखना होता है लेकिन आप उसको दोनों तरफ यूज कर सकते हैं लेकिन लाना किसी एक कैटेगरी में पड़ेगा अच्छा।, अच्छा अच्छा अब दूसरी बात यह है कि यस मैं ये भी कहूंगा कि आप कर सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर घर के अंदर आप सिंगल तौर पर फाइनेंस फाइनेंशियली कैपेबल हैं कि आपके आप बच्चों के लिए किसी चाइल्ड वर्कर को बुला लें और आपके मिसेस के पेरेंट्स हैं और वो सिंगली अफोर्ड कर सकती हैं अच्छा। उसको तो आप दोनों कर सकते हैं ओके ओके लेकिन आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा अच्छा ठीक है इसमें यहाँ पे जैसे कनाडा का सिस्टम है कि अगर कोई बीमार होता है या कोई पैरालाइज हो जाता है या व्हाटएवर तो यहां पर नर्सस प्रोवाइड करते हैं हेल्थ कनाडा कि वो तो वो ये सवाल नहीं करेंगे कि भाई हम आपको नर्स करते के आप गिवर को ये सवाल कौन करेगा? गौर्मेंट? तो गवर्नमेंट ने तो अच्छा, तो हाँ, तो अच्छा, अच्छा, कौन सी विंडो खुद बना के आपको जी, जी। ये अभी हमने पिछले किसी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया था जब हम इमिग्रेशन लेवल प्लान के इकोनॉमिक के अंदर आपको कोटा बताया था ये गवर्नमेंट अलाउड स्कीम है अच्छा तो अब गवर्नमेंट उसके ऊपर सवाल इस तरह नहीं, नहीं कर सकती कि जी आपको तो वो आ, मैसर है तो आप ये क्यों बुला रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आपको अलाउ किया राइट राइट क्योंकि जैसे आपने देखा होगा यकीन के जैसे आपकी कंपनी है कोई ए कंपनी है और आप अकाउंटेंट ढूंढ रहे हैं तो वो ही कहते हैं कि आप पहले यहाँ एड दें अकाउंटेंट का अगर आपको यहाँ से ना मिले तो फिर आप बाहर से बुलाएं हाँ इसके केस में देखें वो एल की कंडीशन है अच्छा कि यू हैव टू एडवर्टाइज फर्स्ट पहले आपको यहाँ करना है लेकिन ये एल एम आई एग्जाम अच्छा। तो वो सारी कंडीशन जो आप एल एम आई ए की समझते हैं वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती ओके ओके दैट्स गुड तो अच्छा और एक आखिर में बट वेरी गुड क्वेश्चन ये Thank दो क्वेश्चन जो है ना इसके ऊपर मैंने कई टीवी इंटरव्यूज किए हैं लेकिन ये वाले सवाल मुझसे किसी ने नहीं पूछा है एक और सवाल यहाँ पे आता है कि कोई अगर प्रोफेशनल डिग्री नहीं है उसके पास मेरे ख्याल में हाई स्कूल पास किया है या इंटर पास है या वो जो पाकिस्तान में असला होती है इंटर पास और कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है कोई हुनर नहीं है उसके लिए क्या कोई विंडो है अच्छा देखिए वेरी गुड क्वेश्चन वो जिस आदमी के पास प्रोफेशनल डिग्री ना होना इतना बड़ा इशू नहीं है मतलब मैं इसी इसी प्रोग्राम की तरफ आऊँगा हुँ. इस प्रोग्राम के लिए पिछले पायलट प्रोग्राम के अंदर वन ईयर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन अच्छा नॉट इवन रेलिवेंट अच्छा वन ईयर पोस्ट सेकेंडरी uh, एजुकेशन का मतलब है बारह जमातों के बाद आपके पास एक साल की एजुकेशन हो और कोई सी भी हो अच्छा तो आपका हो गया ना ना उसको एमएससी चाहिए, चाहिए ना उसको बैचलर इन इंजीनियरिंग चाहिए ना नर्सिंग चाहिए ना सोशल वर्क चाहिए वगैरह वगैरह ठीक है उसको बेसिकली कोई सी भी एक साल की पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए अच्छा। और मजे की बात है ये जो एनहेंस्ड केयर गिवर प्रोग्राम है इसके अंदर उन्होंने अब ग्रेड ट्वेल्व कर दिया अच्छा तो ग्रेड ट्वेल्व तो आप अंदाजा करें कि मैं आंखें बंद करके अपने गाँव के लेफ्ट और राइट घरों की कतारों के अंदर सौ सौ घर भी देखूं तो मुझे वहां पर बीए, बीए और लोग मिलते हैं। सही। तो अब तो ऐसा टाइम ही नहीं रह गया कि किसी ने ना पास की है तालीम भी नहीं है किसी भी उसमें तो उनके लिए कोई ऐसी जैसे मिसाल तौर पर देखें कोई ना कोई जैसे फार्मर है अब फार्मर जो है उसने से बीए किया हुआ अच्छा उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं जी तो फार्मिंग कैटेगरी बिजनेस जो फार्मिंग बिजनेस इमिग्रेशन है उसके अंदर वो आ सकते हैं अच्छा इसके अलावा फार्मिंग अगर उन्होंने किया हुआ है और तो वो यहाँ पर एल ये लेके किसी फार्मिंग प्रोफेशन का उसके अंदर आ सकते हैं अच्छा और वो कंस्ट्रक्शन वर्कर लोग हैं कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कोई आपको जनरल सेंस और एक्सपीरियंस होना चाहिए बस। तो इन तमाम चीजों के लिए एल एक तरीका है लेकिन देखें अब वो लोग यहाँ पर तो आ जाते हैं लेकिन आगे जब उन्होंने जाना है पीआर की तरफ तो उन्हें फिर सर्टेन स्किल सेट होना चाहिए अच्छा एजुकेशन होनी चाहिए क्योंकि आगे फिर पॉइंट सिस्टम आ जाएगा जी जी ठीक है तो उस पॉइंट सिस्टम के लिए या डेफिनेटली कोई ना कोई उसका क्राइटेरिया होगा वो क्राइटेरिया उन्हें मीट करना चाहिए ठीक है तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मिसाल के तौर तो पर बहुत सारे लोग यहां पर आ आगे फार्मिंग एंड कैटेगरी फार्मिंग कैटेगरी में उन्हें एल मिला वो यहां पर आ आगे लेकिन बाद में वो बहुत स्ट्रगल करते हैं

मैं लोगों को एक बात कहता होता हूँ कि यहाँ आने वाले हर बंदे को जो है वो इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए पर आप अकेले जा रहे हैं और आप फ्रांस के एयरपोर्ट पर आपका जो है ना वो पासपोर्ट गिर गया है कहीं गुम हो गया या वैसे कोई एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आपको वीजा ऑफिसर साइड पर कर देता है अब आपके पास पासपोर्ट है कनाडा का जी एंड यू आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश राइट अब आप देखें आप किस सिचुएशन के साथ

इसमें जैसे केयर गिवर कैटेगरी में आपसे काफ़ी तफसी गुफ्तु हुई इसमें यह बताइए कि केयर गिवर एज ए केयर गिवर अगर कोई आता है पाकिस्तान से उठ के और यहाँ पर रहता है तो वो आगे क्या प्रोसेस होगा उसका पी आर के सिलसिले में अच्छा वेरी गुड पॉइंट देखिए ये बेसिकली डायरेक्ट पी आर प्रोग्राम है अच्छा इट मे स्टार्ट फ्राम फ्राम परमिट लेकिन आप वर्क पर मिसाल तो उन्होंने रखा होता है कि जी आप ये ये डायरेक्ट पी आर प्रोग्राम है लेकिन आप पहले यहाँ पर कनेडियन इंडस्ट्री uh, के अंदर छः महीने का एक्सपीरियंस करेंगे अच्छा। जो आज की तारीख के अंदर जो चल रहा है वो ये है कि आपके पास छः महीने का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए फिर आपका ऑलरेडी पी आर का केस अप्रूव हुआ होता है अच्छा। तभी अच्छा। आपको वर्क परमिट मिलता है और वो आप उनको दोबारा अपना कैनेडियन एक्सपीरियंस का एविडेंस भेजते हैं और आपका पीआर कंप्लीट हो जाता है ओके तो ये बेसिकली जो जो पॉइंट सिस्टम है उसको बाईपास करते हुए आपको पीआर बना देता है ओके तो उसमें मतलब ये आपको जो नॉर्मल केसेस होते हैं क्या पॉइंट सिस्टम या ये वो ये उस तरह का नहीं है ये नहीं। उस सारों को बाईपास बाई करके और ये इजी टू वे टू आप जी लेकिन अगेन जो आपका एम्प्लॉयर है उसको अपनी क्वालिफिकेशन मीट करनी है और जो केयर गिवर है, है, उसको अपनी क्वालिफिकेशन मीट राइट तो जो बुला रहा है citizen, उसको उसकी कितनी इन इन सैलरी इनकम होनी चाहिए कि वो उसको मीट कर सके दिस इज वेरी सीक्रेट देखिए क्योंकि लोग यहाँ पर अपनी सैलरी बताते रहिए तो इसलिए इस फिगर को बताना भी डिफिकल्ट हाँ. है लेकिन मैं आपको गाइड करता हूँ देखिए यहाँ पर ऐसा होता है गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ जैसे आप पेरेंटल स्पॉन्सरशिप की मैं मिसाल दूंगा वो कहते हैं कि आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम होनी चाहिए क्योंकि आप किसी और एक और बंदे की जिम्मेदारी ले रहे हैं लेकिन पहले जो आपके जिम्मे आपकी अपनी फैमिली है आपकी बीवी या आपके बच्चे हैं उनको आप टेक केयर कर पा रहे हैं अगर ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास अच्छी फाइनेंशियल एबिलिटी है तो आप फिर एलिजिबल अच्छा लेकिन अगर आपसे मिसाल तौर पर अगर मैं फिफ्टी के बना रहा हूँ और मेरे दो बच्चे हैं, तो ये फिफ्टी के तो बेसिकली मेरी अपनी फैमिली के लिए काफी, काफी अब काफी मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि right. इसको सैलरी देना जो है वो आपकी जिम्मेदारी ठीक ठीक तो इस हिसाब से फिर ये है कि अगर आपकी कोई कंपनी है या कोई इस तरह का है तो उसके बेस पे भी आप बुला सकते हैं कि आ, कि नहीं आप कंपनी की बेस पर नहीं बुला सकते वेरी गुड क्वेश्चन अगेन देखिए जब कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है आ, तो फिर आपका एल एम ये चाहिए होता है अच्छा। लेकिन जब आप पर्सनल इसके अंदर आप पर्सनल एम्प्लॉयर हैं फर्रुख अब्बास एम्प्लॉयर होंगे अच्छा फरूख अब्बास की टू, इन शामिल है उसके लिए आपको एल एम आई ए करना पड़े। अच्छा। पर सेंटर्स हैं। उने, अच्छा। उने भी होते हैं। अच्छा। अगर बुलाना है तो उसके लिए उन्हें एल एम आई ए का प्रोसेस करना पड़ेगा अच्छा, अगर फरूख अब्बास अच्छा। को बुलाना है फरूख अब्बास को अपनी तो फिर आपको ये वाला प्रोसीजर अडोप्ट करना पड़ेगा लोगों को इतनी आगाही नहीं है और ये वो टॉपिक्स हैं जिसको आम तौर पर डिस्कस नहीं किया डिस्कस नहीं किया जाता एक्जैक्टली exactly ऐसा तो आज के इस प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए और आपसे माहिराना राय लेते हुए और फारूख भाई मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा देखें हमारे घरों में Uh, मैं छोटी सी बात कहता हूँ कि इसको इसको हर बंदा क्वालिफाई कर सकता है जिसके अंदर ये कंडीशंस होती है मतलब उनके घर बच्चे हों वो दोनों मिया भी, भी जॉब करते हैं तो आजकल फोर्टी फिफ्टी के तो एक नॉर्मल सी जॉब है हर दोनों मिया भी, भी जॉब करते हैं बच्चे हैं उनके पास तो दे आर क्वालिफाइड मतलब आलमोस्ट क्वालिफाइड चलें जीत असेसमेंट की जरूरत है इसी तरह आप और मैं आप हैदर टी है हम अपनी कम्यूनिटी को रिप्रजेंट करते हैं आप किसी भी मॉस्क के अंदर इमाम बारगा के अंदर आप देखिए कितने सारे बुजुर्ग बैठे होते हैं जी मतलब आप उन बुजुर्गों की वो बुजुर्ग जो है वो किसी ऐसी फैमिली का हिस्सा होते हैं जिनके दोनों मेंबर्स काम कर रहे होते हैं जी जी तो आप उनके जरिए भी बात सिर्फ वही है जो आपने कई बार उसका इजहार भी किया कि लोगों को चूंकि पता नहीं होता जी और लोग समाइम जो है वो ख्वाहिशमंद भी होते हैं कि जी. किसी की हेल्प करें बेल्कुल. लेकिन उन्हें चूंकि इस तरीके का नहीं पता होता नहीं। और ये वाला जो जो कैटेगरी है देखें ये कैटेगरी अब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा लोग वहां पर देखें डे केयर सेंटर खुल गए हुए हैं वहाँ पर भी लोग जो है वो हमारे यहाँ उस तरह का प्रोफेशन नहीं है जैसे चूंकि वहाँ पर नेशनल ऑक्यूपेशनल जो क्लासिफिकेशन की तरह का कोई मॉडल नहीं है हमारे हमारा कल्चर इस तरह का है कि उसके अंदर हम अपने पेरेंट्स के लिए आ, आ, सोशली आ, और मॉरली ये समझते हैं कि बजाय किसी और को हायर करें हम खुद ही ये सर्विस कर लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरह की चीज़ें हैं लेकिन समझने की जरूरत है कि इस तरह के प्रोफाइल को आप किस तरीके से इसके अंदर फिट इन कर सकते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो आखिर में आप और क्या कहना चाहेंगे केयर गिवर या जो मुखलिफ टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं एक समराइज करके आप कुछ जी देखिए आपको अगर बाहर आने का शौक है तो आपको इन सारी बातें जो आप YouTube के ऊपर सुन रहे होते हैं या जो र्यूमर्स चल रही होती हैं उनसे पैनिक नहीं होना चाहिए सही। जैसे मैंने आपसे कहा कि पॉलिसी हमेशा आती जाती रहती हैं आपकी पोजिशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है मतलब इसी क्लास के लिए देखिए आप अगर नहीं भी केयर गिवर जैसे ये प्रोग्राम है मैंने आपको बताया कि अगले दो तीन साल जारी रहेगा और पिछले पांच साल से ये तो मैं ही इसको देख रहा हूँ तो आने वाले अगर आप इस साल में तैयार नहीं है तो आप अगले साल में तैयार हो जाएंगे आप दो साल में तैयार हो जाएंगे जब उसकी ब्रैकेट आपको एज ब्रैकेट आपको अलाउ करती है तो अब आपके लिए ट्वेंटी नाइन फिगर जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आप बताई है वो इसके ऊपर उस तरीके से अप्लाई नहीं होती अच्छा तो अब आपके पास खुला टाइम है कि आप जो है अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लें मिसाल तो पर जैसे यहाँ पर आप बहुत सारे लोग देखिए वो एक कोर्स करते हैं वो देखते हैं कि इसमें मेरी नहीं पीआर हो सकती तो वो दूसरा कोर्स करते हैं जो अल्टीमेटली उसे लीड कर लेता है वो ऑन्टेरियो में आए उन्होंने एक साल पढ़ा यहाँ पर पीआर नहीं बने तो वो नोवस्कोशिया चले गए वहां जाके उन्होंने एक और कोर्स किया अच्छा। और वहां की तो आपके पास ये फ्लेक्सीबिलिटी जाती है और ये वाला प्रोग्राम या इस तरह के जो दूसरे प्रोग्राम है जैसे एग्रीकल्चर के प्रोग्राम जो इस तरह की इकोनॉमिक क्लासेस हैं वो आपको अलाउ करती हैं कि आप इस तरह अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हैं इनकमिंग ईयर्स अच्छा गुड वेरी गुड अलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने काफ़ी तफसील से केयरगिवर के ऊपर नाजरन को बताया उनको उनके इलमे में इजाफ़ा किया और ये वो टॉपिक हैं जो यकीन बहुत कम लोगों को पताए तो यकीन आप से और वेदर टी वी के इमिग्रेशन के प्रोग्राम के तबसत से नाजर को काफ़ी मालूम हासिल हुई हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर हम लोगों ने डिस्कस किया है और आपका दोबारा मैं शुक्रिया अदा कर भाई आपका भी शुक्रिया आपने भी हमेशा छोटा भाई समझ कर शफकत करते हैं और हमेशा इजहार आपने किया है इन प्रोग्राम का तो अल्टीमेटली आपने मुझे पकड़ लिया <laughs> और दूसरे हैदर टी का भी कि वो पूरी टीम के साथ इस काविश के ऊपर जो है ना चले ये हमारी और आपकी तरफ से यही कम्युनिटी पे बैक है कि आप एक राइट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं और उसके अंदर हम डिस्करेज करते हैं कि किसी भी जुगाड़ सिस्टम की तरफ ना जाएं एक लाइसेंस्ड बंदे से मेरे पास आए या किसी के पास भी जाएं जाए आपने भी इस बात का का इजहार किया है कि आप लाइसेंस्ड बंदे के पास जाएं ताकि आपको सही बात का अंदाज़ा हो सके उसके बाद उसको आप ये ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कोई हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं है इट्स ऑलरेडी ऑन द आप कैनेडा डॉट सी ए की वेबसाइट पे जाके इमिग्रेशन की तफसील के अंदर जाकर इन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं जी, जी। आप इसका क्राइटेरिया पूरा करें आप किसी को हायर भी करते हैं तो उसके ऊपर पूरा वॉच रखें कि वो आपके प्रोग्राम वो आपके इस केस को किस तरीके से हैंडल कर रहा है ताकि आपके सक्सेस चांसेस बढ़ जाए बिल्कुल और आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि ये तमाम प्रोग्राम हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है तो देखने वालों के लिए एक डिस्कलेमर है कि अगर आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे डायरेक्ट या मुझ जैसे किसी और प्रोफेशनल को डायरेक्ट कॉल करना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया अलीम साहब आपका आ, नाजरीन जैसा कि आपने देखा कि हैदर टी वी के तावन से ये आ, इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स आपने देखे और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे हमारे अलीम रज़ा साहब ने बड़ी तफसीली गफ्तु की और बहुत से पॉइंट रेस किए जो कि आम तौर पर लोगों को नहीं पता होते हैं और आप टीवी स्क्रीन पे नंबर भी देखेंगे अलीम जैदी साहब का भी और हैदर टीवी के कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो कोई जहन में आपके ऐसे सवाल आ रहा हो जो कि आप क्लियर करना चाहते हो तो बिला झिझक आप फ़ोन नंबर पे कॉल करें या ईमेल करें और अपना सवाल का जवाब हासिल करें और फरोग भाई मैं अदब से शायद गुजर रहा हूँ आपको रोक दिया बीच में आ, अगर हमारे देखने वाले हैं कोई ख़ास प्रोग्राम की तरफ इंडिकेट करें तो हम उसको भी स्पेशल तैयार करके उनके आसानी के लिए पेश कर सकते हैं बिल्कुल 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 बहुत शुक्रिया जी नाजरीन जैसा कि आपने सुना अलीम रज़ा जैदी साहब ने ख़ास तौर पर ये ऑफ़र की है हमारे देखने वालों को कि कोई भी आपके जहन में टॉपिक हो या कोई भी ऐसी कैटेगरी जो आप को क्लियर करना चाह रहे हो उस पर भी प्रोग्राम कर सकते हैं तो प्रोग्राम का अख्तितम करते हैं और उम्मीद है कि आपने काफ़ी मालूम हासिल की होंगी इमिग्रेशन के हवाले से और अपने दोस्तों का रिश्तेदारों का गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह ने